आपको सब्जेक्टिव शीट नंबर 20 दी थी, आप चेक करना प्लीज। सब्जेक्टिव शीट नंबर 20, और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं अगर नहीं है शीट तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 20 का प्रिंट आउट लें। अब तो लाइट नहीं है, अब यहीं से ठीक। देखो सब्जेक्टिव शीट नंबर 20 में फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट टाइम जो आखिरी क्वेश्चन जहां पे लेक्चर स्टॉप हुआ था वो यही था, तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट भी हमने कर लिया, स्क्वायर वाला क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, अभी किया आज हमने, ये क्वेश्चन करने आपने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको थोड़ा इजी बनाता हूँ, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है। ये डायग्राम है कि सपोज आपके पास एक सर्कुलर लूप है, सपोज इसके अंदर एक एक्स पॉइंट है जिसमें आई करंट आया, और एक वाई वाई पॉइंट है जहां से करंट बाहर जाएगा आई। जब करंट आएगा तो वो आई वन आई टू में स्प्लिट हो जाएगा, आई वन आई टू, और एक्स और वाई पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड बिल्कुल भी नहीं है, राइट? एक्स और वाई पॉइंट डायमीटर के ऑपोजिट है, उस फिगर को प्लीज छोड़ दो, इसी को देखो। तो मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूं कि अगर एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं जो डायमीटर के ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि अगर डायमीटर के ऑपोजिट होते फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर तो मुझे दिख ही रहा था कि अगर एक्स और वाई ऐसे होते तो आधा करंट आई बाई टू ऊपर, आधा करंट आई बाई टू इस तरफ से, तो इसमें अगर सेंटर पे बी की डायरेक्शन देखें तो ऊपर वाला लूप प्रोड्यूस करेगा इनवर्ड और नीचे वाला प्रोड्यूस करेगा आउटवर्ड, और दोनों बी सेम प्रोड्यूस करेंगे इनवर्ड आउटवर्ड, नेट बी क्या आएगा? जीरो। इसमें तो जीरो आएगा, कोई डाउट इसमें? क्योंकि आधी ऊपर वाला लूप इनवर्ड, नीचे लूप आउटवर्ड। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने जान के डायमेट्रिकली ऑपोजिट नहीं लिया, और मैंने ये बोला कि लेट अस सपोज ये आर्क एंगल बना रहा है थीटा वन, और ये एंगल बना रहा है थीटा टू, थीटा वन थीटा टू। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो लूप नंबर, जो आर्क नंबर वन है वो बी कितना जनरेट करेगा सेंटर पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा वन आई वन डिवाइडेड बाय कितना, रेडियस मान लो ए है तो रेडियस ए, तो आर्क का फॉर्मूला लगा दिया म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा आई बाय आर वाला, और नीचे वाला लूप बोलो कितना बी जनरेट करेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा टू आई टू डिवाइडेड बाय। और ये भी समझ में आ रहा है कि नीचे वाला जो लूप है आई टू वाला, करंट ऐसे है तो बी कैसे जनरेट करेगा आउटवर्ड, और ऊपर वाला लूप में करंट ऐसे है तो बी कैसे जनरेट होगा इनवर्ड, तो ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, बी वन बी टू आ गया। मेरे को मैथमेटिकली ये प्रूव करना है कि बी वन और बी टू एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, चाहे ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट नहीं है, चाहे इनकी वैल्यू देखने में डिफरेंट है, लेकिन नेट बी की वैल्यू अब भी इसके ऊपर क्या आएगी, जीरो। ये प्रूव करना है, नेट बी अभी भी जीरो आएगा। कहने का मतलब कि मेरे को ये प्रूव करना है कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है। अगर मैंने ये सेम प्रूव कर दिया फिर बी की वैल्यू सेम हो जाएंगी, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड, तो नेट आंसर अपने आप जीरो आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि मुझे सेम क्या प्रूव करना है। तो कई लोग बोल रहे थे सर जिसमें एंगल ज्यादा है उसका आर्क बड़ा है उसमें करंट कम होगा, और जिसमें एंगल छोटा है उसका आर्क छोटा है उसमें करंट ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टर, क्योंकि लेंथ, मैंने पूछा लेंथ ज्यादा से क्या होता है, लेंथ ज्यादा से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेंथ कम से रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो करंट बढ़ जाता है। तो कहता है कि प्रोडक्ट सेम होगा, लॉजिक तो यही है पर मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। मैथमेटिकली करके देख आएगा नहीं ऐसे बता, वो तो हाँ ठीक है मैंने बता ही दिया, वो तो सही है, पर इसको ऐसे लिखेंगे कि सपोज करते हैं, एक मिनट के लिए ध्यान आगे प्लीज, सपोज कर लेते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस इज आर वन और इसकी रेजिस्टेंस इज आर टू, रेजिस्टेंस डिफरेंट है तभी तो करंट डिफरेंट जा रहा है, तो एक में आई वन एक में आई टू। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये
ऊपर वाला आर्क और नीचे वाली रेजिस्टेंस आपस में किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैं लिख सकता हूं आई वन इंटू आर वन इज इक्वल टू आई टू इंटू आर टू, ओम्स लॉ, आई इंटू आर का प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। फिर मुझे ये भी पता है कि ये जो आर्क है, सपोज इसकी लेंथ एल वन है, सपोज इसकी लेंथ एल टू है, आर की लेंथ एल वन एल टू है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट है, तो मैं लिख सकता हूं आई वन रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट है तो आई वन इंटू एल वन इज आई टू इंटू एल टू, कोई डाउट इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होती है, रो एल बाय ए, तो लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अच्छा, फिर मुझे यह भी पता है कि एंगल जो होता है वो क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, तो एल वन की जगह क्या लिखेंगे, थीटा वन इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस, तो आर इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, और एल टू की जगह क्या लिखेंगे, थीटा टू इंटू रेडियस, ए से ए क्या हो गया कैंसल, तो आई वन थीटा वन इज इक्वल टू आई टू थीटा टू, तो ये प्रोडक्ट सेम होगा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दे विल कैंसल ईच अदर, तो नेट बी की वैल्यू फाइनली क्या आएगी, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक, लिख लो लिख लो लिख लो, आर इज रू एल बाई ए, रू और ए तो क्रॉस सेक्शन ले तो सेम ही है वायर का, तो लेंथ पे डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस, तो ओके ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट इसके अंदर ना एक क्वेश्चन नंबर सेवन है, और सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ना आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करके दिखानी है, देखो कैसे। क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा गया है कि अगर आपके पास इनफाइनाइट वायर है, ये इस तरीके से मुड़ती है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये करवाया भी था ऐसा क्वेश्चन, मैंने वायर को सीधा ले गया था, वो कह रहा है कि वायर बोर्ड के बाहर आ गई, ये बोर्ड के बाहर आ गई, आई करंट बाहर आ गया, यहां से चला था और ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है वो कौन सा है, जेड एक्सिस है, ये जेड है, ये एक्स है, और ये वाला जो एक्सिस है वो कौन सा है, वाई है, और ये सेंटर सी है, ये डिस्टेंस आर बाय टू है, ये डिस्टेंस आर बाय टू है, आपको सी पॉइंट पर तीनों वायर्स की वजह से बी बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये मान लेते हैं वायर नंबर वन है, ये वायर नंबर टू है और ये वायर नंबर थ्री है, ठीक है यहां तक। तो सेम
अभी हमने किया था वायर नंबर वन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ पे निकालना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका आर बाई टू, तो एक एंगल क्या होगा यहाँ, क्योंकि ये वायर को छोड़ दो सेमी सर्कल को, यहाँ से यहाँ तक रहते एक एंगल जीरो एक एंगल 90, तो म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डिवाइडेड बाई आर बाई टू साइन ऑफ जीरो प्लस साइन ऑफ कितना 90, कोई डाउट इसमें? तो बी वन लिख लिया, बी टू सेमी सर्कल का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय फोर पाई पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर बाई टू, ये भी क्लियर है। और तीसरी वायर को ना आपने ये नहीं आपको ऐसे कंसिडर करना है पेन की तरह, ये वायर ऐसे आ रही है इस बाहर की तरफ, बनाया ऐसे है पर ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे सोचना है। तो ये वायर बाहर आ रही है तो ऑब्वियसली एक एंगल यहाँ से जीरो और एक एंगल 90, तो बी थ्री की वैल्यू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डिवाइडेड बाई आर बाई टू साइन ऑफ जीरो प्लस साइन ऑफ कितना 90। डायरेक्शंस आउट और इन की बजाय आई कैप जे कैप में देना। स्टार्ट करो, सबसे पहले फर्स्ट वायर में बोलो आई कैप की जे कैप, कितने लोग बोलते हैं आई कैप फर्स्ट वायर का? ओके, थंब ये रहा, तो बोलो इनसाइड की आउटसाइड है, अगर पॉइंट यहां होता तो इनसाइड, लेकिन नीचे है तो आउटसाइड, आउटसाइड है। आउटसाइड के एक्सिस को क्या माना गया है एक्स, तो कौन सा कैप आएगा आई कैप। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, मतलब क्लियर है पीछे? तो ये करंट इधर जा रहा है, सी पॉइंट पे फिंगर्स बाहर आ रही है, आउटसाइड है, तो पीछे कौन सा कैप है आई कैप है, तो वेक्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, अब ये वाला करंट ऐसे आ रहा है तो थम का है आउटसाइड, आउटसाइड कौन सा कैप है एक्स एक्सिस, तो फिर से एक बार क्या आएगा आई कैप, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट बोलो आई कैप की जे कैप की कौन सा कैप, आखिरी वायर का लास्ट जो बोर्ड से बाहर आ रही है, कितने लोग बोलते हैं जे कैप, कितने बोलते हैं माइनस जे कैप, माइनस जे कैप बिल्कुल सही है। देखो ये एक वायर बाहर आ रही है, इमेजिन करो इस तरीके से, ध्यान आगे प्लीज बात नहीं करनी, ये वायर बाहर आ रही है थंब करंट के साथ, मैं यहां पर फिंगर्स घुमाऊंगा, फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, तो ये लो ये मेरी फिंगर्स है ऐसे घूम रही, सोचो ये लो, फिर देखो करंट बाहर आ रहा है इसमें, थंब बाहर आ रहा है, ये मेरी फिंगर्स है, तो सी पॉइंट यहां पर आ गया, ड्रॉ अ टेंजेंट, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट डायरेक्शन किसकी देगा बी की, तो टेंजेंट ऑब्वियसली कहां जाएगा इस तरफ, तो ये वाला अगर y एक्सिस है तो ये वाला माइनस y एक्सिस है, इसलिए पीछे क्या आएगा माइनस j कैप। अब तीनों वेक्टर को ऐड कर देंगे जो कॉमन आता है तो ठीक है, नहीं तो i कैप और j कैप में आंसर इज आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि j कैप क्यों है? फिर से एक बार, ये वायर ऐसे आ रही है बाहर तो पॉइंट ऊपर है तो इस तरफ, फिंगर ऐसे घूम गई ना तो ड्रॉ टेंजेंट, फिंगर ऐसे जा रही है टेंजेंट सी, स्ट्रेट नहीं बनेगा सर्कल के ऊपर, इनसाइड आउटसाइड क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर आई और जे में भी होते हैं, इसमें आई जे के गिवन है इसलिए ले रहा हूं, इनसाइड आउटसाइड लिख दो तो भी ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको ना आई जे के में मिलेगा ज्यादा काम, वैसे कई बार क्रॉस या डॉट में मिलता है या आई और जे में मिलता है, तो आपको दोनों तरीकों से आना चाहिए, सब्जेक्टिव में जो मर्जी कर दो, ऑब्जेक्टिव में लेकिन आपको दोनों आना चाहिए। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? बाकी क्वेश्चन इसमें नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट टॉपिक आज का और क्लोज करते हैं।